गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम आए हुए हैं नासिक के राम कुंड की जगह पे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास पे थे तभी यहाँ पे स्नान करने आते थे, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ की और एक खास बात है कि जो महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ थी इसी कुंड में विसर्जित की गई, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं या फिर जिनको अपनों लोगों की अस्थियाँ विसर्जित करने हैं तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और अपनों की अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। और एक गाइस, ये जो राम कुंड है ये रामायण से जुड़ा है, इसलिए ये प्लेस नासिक में बहुत ही पॉपुलर है। सो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे इस राम कुंड को। अभी बहुत सारे ऐसे वैशिष्ट्य है यहाँ के बारे में, तो अभी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अभी यहाँ पे आज बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, बहुत क्राउड है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा ब्लॉग। रामकुंड शहर का सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम यहाँ स्नान किया करते थे। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रामकुंड के पानी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और वह अधिक सकारात्मक और परोपकारी दृष्टिकोण के साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। रामकुंड अक्सर हर 12 साल में शहर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध कुंभ मेले का स्थल बन जाता है। भक्तों का यह भी मानना है कि उनके मृतकों की राख को विसर्जित करने से उन्हें जीवन काल के बाद शांति मिलेगी। हर दिन पर्यटक यहाँ शुद्ध पानी में स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति की उम्मीद लिए आते हैं। विशेष रूप से भोर में घाट नासिक शहर का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जब सूरज की गर्म चमक हर चीज को छूकर महिमा मंडित कर देती है। इन कारणों से यह एक अविश्वसनीय स्थल बन गया है। रामकुंड पूजनीय है क्योंकि कहा जाता है कि यही वह तालाब है जहां राम ने स्नान किया था। पवित्र तालाब का उपयोग मृतकों की राख को विसर्जित करने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तुरंत इसके पानी में समा जाती हैं। कई लोग अपने पाप धोने के लिए रामकुंड के पवित्र जल में डुबकी भी लगाते हैं। यहाँ रुचि का एक अन्य बिंदु पास की गांधी झील या तालाब है, जहाँ महात्मा गांधी को समर्पित सफेद संगमरमर का एक स्मारक है। 1948 में उनकी हत्या के बाद इस महान राजनीतिक नेता की अस्थियों का कुछ हिस्सा रामकुंड में विसर्जित कर दिया गया था। तो दोस्तों, अभी हम अलविदा कहते हैं और अगला वीडियो में जानेंगे कपालेश्वर महादेव जी का एक ही ऐसा मंदिर है जहां पर नंदी जी विराजमान नहीं है। इसे पीछे का इतिहास हम अगले व्लॉग में जानेंगे। तब तक अलविदा और देखने के लिए धन्यवाद।